दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। नेपाल ने शायद भारत के साथ तनाव को बढ़ाने का मन बना ही लिया है। पहले उसने भारत के इलाकों को अपने आधिकारिक मैप में दिखाया और अब भारतीय सीमा से लगी एक रोड पर 12 साल बाद पुनः काम शुरू भी करा दिया है। बता दें कि यह रोड उत्तराखंड के धारचूला कस्बे से होकर गुजरती है और करीब 130 किलोमीटर लंबे इस धारचूला तिनकर रोड का 50 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से लगा हुआ भी है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमति 2008 में दी गई थी। मकसद था तिनकर पास के जरिए नेपाल और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन कुछ कारणोंवश इस रोड का काम रुक गया था। लेकिन अब नेपाल को इस रोड की याद पुनः शायद इसलिए आ गई क्योंकि भारत ने धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क 8 मई को ही उद्घाटन किया है बना के। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को तवा घाट लिपुलेख मार्ग का उद्घाटन भी किया था। उन्होंने कहा था कि इससे कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को पहले से कम समय और पैसे की बचत भी होगी। बता दें कि नेपाल के इस रोड को अप्रूव हुए तो 12 साल हो गए थे, मगर सिर्फ 43 किलोमीटर ही रोड बन सकी थी। इस रूट पर ना सिर्फ टेरेन बेहद खतरनाक है बल्कि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता। सूत्रों के मुताबिक लगातार नुकसान होता देख कॉन्ट्रैक्टर ने यह काम छोड़कर भाग गया था। नेपाल सरकार का यह मानना था कि इस रोड के बन जाने से ना सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन जब भारत ने धारचूला लिपुलेख रोड खोली तो नेपाल में भारी विरोध हुआ। वहां की सरकार ने ये कहा कि वह दर्रा तो नेपाल की सीमा में आता है। भारत ने साफ कह दिया था कि रोड पूरी तरह से भारतीय इलाके में है और अगर नेपाल को आपत्ति जतानी ही थी तो वह रोड बनते समय जताता। एक सूत्र के मुताबिक रोड प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे आर्टिफिशियल वजह ये बताई गई है कि तिनकर और छांगरू के लोग आ और जा सकेंगे उस रोड के माध्यम से, लेकिन नेपाली आर्मी ने बाकी बचे हुए 87 किलोमीटर रोड को पूरा करने के लिए खटियापगढ़ में अपने बेस कैंप भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कि नेपाल की असली मानसिकता को भी दर्शाता है। बता दें कि लिपुलेख विवाद के बाद पिछले दिनों नेपाल ने अपना एक नया आधिकारिक नक्शा जारी किया था जिसमें कि भारत के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल में दिखाया गया है, जिसमें कि लिम्पिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी नेपाल में ही रखा गया है। भारत ने नेपाल के इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया भी है कि इस सीमा विवाद का हल बातचीत के माध्यम से निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा, ना कि इस तरह की आर्टिफिशियल कार्टोग्राफी मैप के जरिए। बता दें कि जब से केपी शर्मा ओली 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से काठमांडू ने बीजिंग के साथ यानी कि नेपाल ने चाइना के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत किया है और चीन द्वारा नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास में भी भारी निवेश किया जा रहा है और इसके बाद से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। इसके बाद ही आपको बता दें कि नेपाल भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें शामिल भी हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आई हो या फिर आपके उपयोग में लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही इस चैनल के वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और साथ ही अपने सूचनाओं को जो अभी आपने पाया है वो अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करने लायक लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।